क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेक्स्ट बुक में आपको लिख के दिया है, टेक्स्ट बुक साथ में रखना और उसमें देखना अभी क्या लिखा है। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, यानी बैग के अंदर जितनी भी कैंडीज है वो सारी की सारी लेमन फ्लेवर्स की है। तो उसमें सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे कैसे, उसमें आपको कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है कि 10 कैंडीज, 20 कैंडीज, 50, 100 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज टोटल आउटकम्स यानी टोटल कैंडी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एक्स, हमने यहाँ पे एक्स सपोज किया है। टोटल आउटकम्स को हम बताएंगे एन और हमने सपोज किया है एक्स। आगे अभी दो क्वेश्चन है लेकिन दोनों क्वेश्चन के लिए बताया क्या है टेक्स्ट बुक में, तो उसमें ऐसा लिखा है कि आपको एक कैंडी बाहर निकालनी है, बैग में से एक कैंडी बाहर निकालनी है, तो वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी और दूसरा क्वेश्चन है लेमन फ्लेवर की होगी। इन दोनों के लिए हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, उसको बताते हम इवेंट ए। तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, लेकिन बैग में सारी कैंडीज कैसी है, लेमन। तो सारी की सारी कैंडीज अगर लेमन फ्लेवर की है तो ऑरेंज फ्लेवर पॉसिबल है, यस नो? ऑरेंज फ्लेवर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, जीरो। समझ आया? सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स एम इज इक्वल टू जीरो। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एम इज इक्वल टू जीरो और एन की जगह पे लिखेंगे एक्स, लेकिन जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, जीरो। ये हो गया फॉर्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, जीरो अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले क्वेश्चन, फिर पॉसिबल आउटकम्स, फिर हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन, उसमें दिया है क्वेश्चन अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसको बताएंगे हम इवेंट बी। तो अ लेमन फ्लेवर्ड, अभी सारी की सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की है, आप अपनी आंख बंद करके भी उसमें हाथ डालोगे बैग में तो आपके हाथ में लेमन फ्लेवर ही आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी, ओके? तो इसका मतलब यहां पे पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, एक्स, क्योंकि सारी की सारी लेमन फ्लेवर है, उसमें से कोई भी एक निकालो तो आपको लेमन फ्लेवर ही मिलेगा, यानी पॉसिबल आउटकम्स भी कितना होगा, एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में एम की जगह पे एक्स, एन की जगह पे भी एक्स, ऊपर नीचे कट, आंसर आएगा वन। ये कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, ये कहलाएगा सर्टेन इवेंट, क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको इसी तरह लिख के दिया है कि तीन स्टूडेंट है, तीन में से दो, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी दो स्टूडेंट ऐसे जिनका बर्थडे सेम डे पे नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों का बर्थडे का डेट अलग अलग है, उसकी हमें फाइंड करके दी है प्रोबेबिलिटी, यानी उसको हम बताएंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.992। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का बर्थडे एक दिन पे नहीं आ रहा है, दोनों का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने इसको बताया है पी ऑफ ए, तो ये क्या कहलाएगा, पी ऑफ ए बार। सपोज आप यहाँ पे लिखोगे पी ऑफ ए बार, तो ये कहलाएगा पी ऑफ ए। तो यहाँ पे अभी हमने बताया है पी ऑफ ए बार, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आगे क्वेश्चन नंबर फाइव के फॉर्म में देखा था हमने, वन माइनस पी ऑफ ए, वन माइनस पी ऑफ ए की जगह पे 0.992। यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, थ्री, वन टू थ्री, यानी को 1000 में से माइनस करना है, दो डिजिट होंगे तो 100 में से, तीन डिजिट है तो 1000 में से, तो 1000 में से 992 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन डिजिट है तो यहाँ पे भी ऐसे 0.008, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा इसके लिए हमने पहले कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक में देखना, एक एक्वेरियम दिया हुआ है, एक्वेरियम के अंदर आपको मेल फिश कितनी दी हुई है, 5, फीमेल फिश कितनी दी हुई है, 8, अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, फिगर भी ड्रॉ करके दिया है। तो मेल फिश में 5 है, मेल फिश 5, फीमेल फिश 8, यानी दोनों का टोटल कितना हो गया, 13, यानी एक्वेरियम के अंदर आपको टोटल 13 फिश दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम्स, यानी कि फिश की संख्या, फिश के टोटल कितने होगी, एन इज इक्वल टू 30,
13, ठीक है। टोटल आउटकम्स यानी कि फीस, टोटल फीस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 13। अभी उसमें एक ही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि ऑफ मेल फीस, अ मेल फीस, तो मेल फीस के लिए पॉसिबल आउटकम्स एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो मेल फीस कितनी है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 हो गया। अगर लिखा होता फीमेल तो फीमेल कितना है 8, मेल के लिए 5, फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, एम की जगह पे लिखना है 5 और एन की जगह पे लिखना है टोटल 13। यहाँ पे सिंप्लीफाई कुछ नहीं होगा, दैट्स आंसर।